सब्सक्राइब कीजिए मेड पेडल चैनल को गेमिंग और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले जानने के लिए। यो, तो कैसे आप लोग? मैंने पिछली वीडियो में टारगेट दिया था कि 5 लाइक आएगी तो सर्वाइवल सीरीज आएंगे, लेकिन 5 लाइक तो मैं अब मेरी अलग अलग ईमेल आईडी से ही कर चुका था, तो यानी सर्वाइवल सीरीज आनी तो कन्फर्म थी। तो आज हम खेल रहे हैं माइनक्राफ्ट। माइनक्राफ्ट एक बहुत ही डब्बे जैसा गेम है। इस पूरे गेम में सिर्फ डब्बे 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 ही। चुप, बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की? तो हम अपने वर्ल्ड का नाम रखेंगे दुनिया। ये दुनिया दुनिया। तो बाकी सेटिंग वगैरह सब सही है और वर्ल्ड यहाँ क्रिएट हो रहा है। लोडिंग। काफ़ी इजीली खेल, इसमें अपन बहुत इजीली खेलेंगे। और वाह, पेड़ के ऊपर स्पॉन करा है मिन्नू ने मुझे। खैर मैं एक सेटिंग और कर लेता हूँ अभी। वो उस सेटिंग की मेरे को बहुत ज़रूरत है यहाँ टच पे, वो स्प्लिट कंट्रोल की टच पर। हाँ, स्प्लिट कंट्रोल ये रहे, क्योंकि क्या है ये, वो इसके बगैर एक खेला नहीं जाता, फिर आपको भी देखने में मज़ा नहीं आएगा इसके बगैर। हाँ अब सही है थोड़ा। तो नीचे उठ जाते, सबसे पहले आसपास तो कुछ दिख नहीं रहा है मुझे, नीचे ही चलते हैं। हाँ मुझे पता था वो डैमेज होएगा। तो वुड तोड़ते हैं सबसे पहले, और क्या, फिर क्राफ्टिंग टेबल वगैरह बनाएंगे और आगे बढ़ेंगे। खैर इस गेम में एंडर ड्रैगन भी है, तो एंडर ड्रैगन तक जाएंगे अपन, चिंता मत करो। काश जा पाए या मैं बीच में ही बंद कर दूँ, खैर नहीं करूँगा मैं। जाएंगे अपन एंडर ड्रैगन तक, कोशिश करेंगे एंडर ड्रैगन को भी मारने की, और ऐसा नहीं उसके बाद गेम ख़त्म हो जाएगा। ओ डॉग, कुछ मतलब कुत्ता, वॉल्फ। वॉल्फ इस गेम में वॉल्फ नाम है इसका। कहाँ गया ये? हाँ ये रहा। अबे इधर देख ले, अबे वीडियो बन रही, पता नहीं चल रहा। मरना तेरे को डर नहीं लगता? नहीं। इसको टेम करने के लिए हड्डी चाहिए ना, स्केलेटन है ही नहीं, तो मैं नीड कर सकता इसको टेम। रहने दो, बाद में देखेंगे इसको यहाँ वुड प्लेस में। तो मैंने वुड तोड़ लिए, अब अपन पे सबसे पहले क्राफ्टिंग टेबल बना लेते प्लेइंग को बनाकर। खैर इस गेम में क्राफ्टिंग काफ़ी रियलिटी में जैसी रहती वैसी है। तो अब अपन चलते हैं आगे। एक मेरे को एक खाली जगह चाहिए, जहाँ पूरा खाली पड़ा हो, तो वहाँ से अपन कर सकते अपनी घर बनाएंगे एक अच्छा सा। बाकी मैं ये भी चाह रहा हूँ कि मेरे को एक विलेज मिल जाए, क्योंकि अगर एक विलेज मिल गया मेरे को फिर तो मज़े ही मज़े। विलेज मिल गया तो, क्योंकि फिर मैं वहाँ पर अपना घर बसाऊँगा और उनकी सब लूट लूँगा। सीप को मारो सबसे पहले तो, क्योंकि अपन को चाहिए बेड बनाना और वूल चाहिए अपन को। आज मैं मर गया भैया। क्यों मर गया? कोई को मत बुलाना। नहीं मैं तो चल घर पे। और बस, तो इसी के साथ अब इसको मर जा, 4 हिट में मरिए। तो वूल तो मिल गया, ऐसे इनको भी मार लेते हैं। तो मैंने तीनों सीप को मार लिया और मुझे यहाँ 3 वूल और 5 मीट मिल गया है। अब सबसे पहले क्राफ्टिंग टेबल से बना लेते। ओ विलेज, वाह क्या एक्टिंग। विलेज लाइफ में फर्स्ट टाइम इतनी बढ़िया स्पॉनिंग हुई है। ये वैसे ये विलेज तो कुछ अलग सा ही दिख रहा है मेरे को लाइफ में। मैं फर्स्ट टाइम माइनक्राफ्ट में विलेज देख रहा हूँ, कुछ अलग सा दिख रहा है ये विलेज मुझे। बाकी यहाँ शुगर केन ले लेते हैं सबसे पहले, और ये मेरे को जोम्बी विलेज ही लग रहा है, पूरा जोम्बी विलेज है। अबे ये क्या है, ये जोम्बी विलेजर। हाँ जोम्बी विलेजर है, यहाँ भी है जोम्बी विलेजर, यहाँ साइड में खड़ा था, यहाँ भी। अबे यहाँ तो पूरी टोली है इनकी, दो दो निकले उसमें से, भागो यहाँ से। खैर ये मेरे को मार नहीं रहा है, ये बढ़िया बात है, लेकिन फिर भी यहाँ पूरी टोली है इनकी। बाद में आएंगे यहाँ, इनके पास कैरेट वीट वगैरह सब है, बाद में यहाँ आएंगे अपन। इस विलेज को अपन वापस से शुरू करेंगे, वापस से दूसरे विलेज से मैं विलेजर को लेकर आऊँगा और यहाँ पर इस विलेज को फिर से शुरू करेंगे अच्छी तरीके से। अभी पहले अपना घर बना लेते ताकि अपन भी बच सके रात में। तो घर बनाएंगे अपन यहीं पर बनाते, मेरे को तो ये जगह बढ़िया लग रही है घर बनाने के लिए। उससे पहले यहाँ क्राफ्टिंग टेबल प्लेस करके बेड वगैरह बना लेते अपना, एक प्यारा सा बेड। हाँ बेड बन जाएगा ना, मुझे पता है, मैंने इस गेम की बहुत सारी वीडियो देखी यूट्यूब पे, मुझे पता है कैसे क्या बनता है। स्टिक भी बना लेते हैं, एक शवल बना लेते हैं, स्वॉर्ड बना लेते हैं, और अब शायद स्टिक चाहिए कि। हाँ
और अब पिकेक्स बना लेते, एक एक्स भी बना ही लेते वरना बाद में बना लेते एक्स। एक्स का क्यों नहीं आ रहा एक्स? अरे मैंने मेरी क्राफ्टिंग वाली खोल ली है, कैंसिल करना पड़ेगा इसको, कैंसिल। हाँ इसमें मेरी होगी एक्स, हाँ ये रही एक्स, एक्स भी बना ही लेते। चलो तो अब काम पे लग जाते गड्ढे खोदने में, क्योंकि अपन अंडरग्राउंड ही बनाएंगे, क्योंकि मतलब बाहर बनाने में बहुत मेहनत लगी, अंडरग्राउंड बेस बनाएंगे अपन एकदम। तो गड्ढा खोदना शुरू करते हैं। तो यहाँ मैंने गड्ढा पूरा खोद लिया है और मेरा सवर भी टूट गया, सवर मतलब, और यहाँ पर मतलब पूरे गड्ढे गड्ढे और स्पॉन पॉइंट सेट कर लिया है। और बाकी ये देख लो ऐसा बन, इतने में बनाएंगे अपन इतने एरिया में, और अपन कोई मेरे को जो बनाना है वो बना देते हैं। मतलब पहले वुड तोड़ के लानी पड़ेगी, थोड़ी बहुत वुड तोड़ के ले आते जल्दी से फटाफट। हाँ तोड़ो तोड़ो तोड़ो, ऊपर वाली लगभग टूट ही गई थी, फिर कैंसिल कर दिया, तोड़ो जल्दी। खैर मैं और भी तोड़ लेता हूँ अभी। हाँ तो मैंने वुड तोड़ ली है और सामने मेरे को सीप दिखी, सीप को मार के आएंगे सबसे पहले। मारो हमको, मारो हमको, जिंदा मत छोड़ो सालो, हमको मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। हाँ तो एक ही हिट में मर गई है, तो मेरे हिसाब से स्पोर्ट्स ज्यादा एक्स का अटैक ज्यादा है मेरे हिसाब से। स्पोर्ट्स दो हिट में मरती है, इसमें एक ही हिट में मर गई। तो प्लैंक बना लेते हैं अभी तो फिलहाल सब वुड्स के, जल्दी से फटाफट ढेर सारे। और अब स्टिक वगैरह बनाएंगे, हाँ स्टिक भी बन गई है। सवल बना लेते, मैंने गलती से दो सवल बना लिए, हाँ दो सवल बन गए, चलो काम आ जाएंगे बाद में। मैं क्या सोच रहा, पहले अपन बेड वगैरह अंदर रख लेते इसके हॉल के, बेड को और क्राफ्टिंग टेबल को। तोड़ो उसको, टूट जा, बस टूट गया, अंदर ले जाकर रख लेते। ये रहा मेरा क्राफ्टिंग टेबल, ये रहा बेड, बेड का गया। हाँ जी यहाँ पर इसको जल्दी से अपन यहीं प्लेस कर लेते हैं। रिस्पॉन पॉइंट भी सेट कर लिया है, क्राफ्टिंग टेबल ये रहा, डर्ट को यहाँ रखते हैं और आगे डर्ट और वॉल बनाते सबसे पहले। तो ये मेरी डर्ट की वॉल है, बाद में मैं इसको अच्छे ब्लॉक से बना दूंगा, अभी डर्ट कीजिए। और सीप, यहाँ सीप है तो सीप से मिलेगा मटन, तो चलो सीप को मारेंगे अपन। अरे बस कर भाई, ओ पागल कर दिया, पीछा छोड़ दे। और यहाँ पर एक दो, देखा आपने दो हिट में मरी, जबकि वाली सिर्फ एक ही हिट में मर गई थी, यानी कि एक्स का डैमेज ज़्यादा है। बाकी यहाँ काओ भी है तो काओ को भी मारेंगे, क्योंकि हमको अभी चाहिए बहुत सारा खाना माइनक्राफ्ट में सर्वाइव करने के लिए, बहुत सारा खाना चाहिए, खाना ढेर सारा। और बाकी तो अभी सो जाते क्योंकि रात भी हो रही है, सो भी नहीं सकता मैं अभी, मेरे पास इतने ज़्यादा वो हिम्मत नहीं है कि मैं जाके सीधा ज़ॉम्बी क्रीपर स्केलेटन इंडरमेंट से फाइट ले लूँ। अभी मेरा सोने का ही मैंने बेड टू फेयर, हाँ जैसे पास में होता सोने देते हैं लोग, सो जान दो, बहुत मन है सोने का, सो जान दो, अरे नहीं सोने दे रहे यार, सो जान, हाँ चलो सोने दिया, फाइनली सोने दिया। चलो सुबह हो गई है, एक और प्यारा सा दिन माइनक्राफ्ट का, लेकिन हमारा घर तो सिर्फ उतना ही है। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने अलग माइनक्राफ्ट के दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और अगर चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।